चालू करी। नमस्कार मित्रों, आपका सुशील ज्ञानवाणी चैनल में स्वागत है। मेरे प्रिय छात्र बंधु भाइयों, आइए, जैसे कि टेंथ की कक्षा इस समय चल रही है और आज हम आगे की क्लास पढ़ाएंगे, उसके पहले थोड़ा बैक कक्षाओं की रिवीजन कर देते हैं, जिससे कि आप लोग पुनः एक बार रिचार्ज हो जाएं। आइए देखते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव, इसमें यही पढ़ाया जा रहा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव। आइए एक एग्जांपल हो जाए, उसके बाद हम आज आपको निगेटिव इसका बताएं, नकारात्मक। जैसे कि सुरेश सुरेश सुरेखा पानी लाती है, सुरेखा पानी लाती है। आइए इसकी अंग्रेजी बना लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स ही, उसके बाद हम निगेटिव पढ़ाएंगे। सुरेखा किसी का नाम, यानी सब्जेक्ट सिमिलर नंबर है, तो हमने पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, सिमिलर नंबर सब्जेक्ट रहने पर वर्ब में ऐसे यस लगता है। सुरेखा लाना लाती है, लाना खाना पीना दौड़ना हंसना उठना बैठना मारना पीटना, ये सब वर्ब है। वर्ब याद कर लेने पर ही ट्रांसलेशन आसान हो जाता है, उसके पहले ट्रांसलेशन आपको आएगा नहीं, कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करता रहेगा, इसलिए वर्ब विशेषता के साथ पढ़ते रहिए। ये कक्षाएं हम वर्ब की बनाएंगे। सुरेखा ब्रिंग्स, ब्रिंग मतलब लाना होता है। सुरेखा ब्रिंग्स वाटर, वाटर हो गया ऑब्जेक्ट। ओ बी जे ई सी टी, सुरेखा ब्रिंग्स हो गया ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वाटर थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। तुम किताब खरीदते हो, तुम किताब खरीदते हो। पढ़ने वाले छात्र रब और पेन लेकर बैठ जाएं और जैसे जैसे हम बताते चले वैसे वैसे आप पढ़ते जाइएगा, निश्चित आपको अंग्रेजी में कोई पीछे करने वाला नहीं मिलेगा, आप अग्रसर होते चले जाएंगे। यू सब्जेक्ट हो गया, ट्रांसलेशन करने से सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो, सिमिलर नंबर है तो वर्ब ढूंढो, यस यस लगेगा, यद प्लूरल है तो वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। टेंस की मेन जड़ होती है सब्जेक्ट और वर्ब, यदि आप समझ गए तो समझ लो ट्रांसलेशन आपको एकदम आसान हो जाए। तो आइए देखते हैं। यू बाई, बाई बचा क्या है ऑब्जेक्ट, बुक। यू बाई बुक, ये तो आपका हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव। अब कहो तो हम थोड़ा निगेटिव की चर्चा कर दें, उसकी विस्तार क्लास पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं।
एक बात और, स्टूडेंट्स मीनिंग जो लिखी होती है प्रेजेंट की, इंडेफिनिट की, कंटिन्यूअस की, एक एक स्पेलिंग एकदम शुद्धता प्योर के साथ याद करिए, तभी आप एक अच्छे छात्र माने जाएंगे। नहीं तो आप, कोई पूछेगा यदि एक भी स्पेलिंग मिस हो गई तो आपको बेवकूफ बना देगा, देरी नहीं लगेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव NEGATIVE, थोड़ा पढ़िए ठोस पढ़िए, थोड़ा पढ़िए ठोस पढ़िए। निगेटिव, इसमें, इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन है, इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ नॉट का प्रयोग होगा। पहली बात। दूसरी बात इसमें है, सिंगुलर नंबर है तो डज नॉट, प्लूरल नंबर है तो डू नॉट, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। पिछली कक्षाओं को आप विशेषता से पढ़ते रहिए, जहां कहीं समस्या हो बताइए, कमेंट कर दीजिए, पुनः वीडियो बनाएंगे। नंबर एक हो गया। नंबर दो है यस आई एन सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट, डज नॉट तथा प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। खूब अच्छी तरह से नोट्स बनाइए, अच्छा लिखिए, अच्छा पढ़िए, महंगी किताब खरीदिए, महंगी पेन खरीदिए, ब्रांडेड, सभी वस्तु खरीदने में आप ब्रांडेड देखते हैं, इसलिए पढ़ने के लिए भी ब्रांडेड चीज ढूंढिए, पढ़ने में भी आप ब्रांडेड ढूंढिए। आइए एक एग्जाम्पल्स दे देते हैं दो, और इसकी कक्षाएं हम कल विशेषता के साथ पढ़ाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ठोस पढ़िए, सॉलिड पढ़िए। वह विद्यालय नहीं जाता है। देखो, वह विद्यालय नहीं जाता है। अब इसमें हमने आपको लिखाया, इसके नियम है, सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट तथा प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट करते हो। इसमें आपको पहले हमने बताते यही चले आए हैं पहली वीडियो से, कि सेंटेंस अनुवाद करते समय, अंग्रेजी ट्रांसलेशन करते समय सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है ही, वह पुल्लिंग का है, इसलिए सिमिलर नंबर है, तो सिमिलर नंबर के साथ डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब उसके बाद क्या है, नहीं जाता है, गो टू स्कूल। आज तो हम आपको एक ऐसे चलते हुए रूप में बता रहे हैं,
कल इसका एक फार्मूला लिखाएंगे, एक इंग्लिश का भी सूत्र होता है ट्रांसलेशन का, उसको बताएंगे। आज तो केवल एक एग्जाम्पल से ही पढ़िए, एक एग्जाम्पल और बता देते हैं, कल इसका हम आपको सूत्र बताएंगे, तब आपको समझ में बिल्कुल बढ़ जाएगा। पहला दूसरा है तुम नहीं खाते हो, तुम नहीं खाते हो, तुम प्लूरल नंबर यू, यू हो गया। अब क्या लगेगा, डू नॉट, यू डू नॉट खाना का वर्ब है ईट, ई ए टी, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ई ए टी, ठीक, यू डू नॉट ईट। अब आप इसको आराम से लिख लीजिए, घर पर इसका रिवीजन करिएगा, बार बार पढ़िएगा, और जहां नहीं समझ में आए, यहां आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, यहां समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक। और हमारे चैनल सुशील ज्ञानवाणी को पढ़ना ना भूलें, और अधिक से अधिक छात्रों को भी यहाँ पर जुड़ने के लिए आप मौका दें, अवसर दें, बताएं उनको। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।